मानकापुर परिसर में चोरों ने सेंध लगाकर करीब 377 ग्राम सोना 4,56,000 के माल पर हाथ साफ किया है। इस पूरे मामले में चारों ही आरोपियों को मानकापुर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच मानकापुर पुलिस कर रही है। नागपुर शहर में दिनों दिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। मानकापुर परिसर में भी चोरों ने सेंध लगाकर एक घर से करीब 377 ग्राम सोना 4,56,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस पूरे ही मामले में चारों ही आरोपियों को मानकापुर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। फिरियादी मोहम्मद फैजान अशफाक उद्दीन उम्र 32 वर्ष अपने परिवार के साथ घर में दरवाजे में ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। इसी दौरान दूसरे दिन चोरों ने सेंध लगाकर उनके घर से 4,56,000 सहित 377 ग्राम सोने के माल पर हाथ साफ कर दिया। पकड़े गए आरोपी इरफान खान हमीद खान गांजा खेत चौक, मोहम्मद अफजर खान, मोहम्मद अख्तर खान, सैयद नौशाद अली, सैयद कलीमुद्दीन अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। त्यांची मोडस आहे चारही आरोपी त्यांची आणि यांच्या 7 दिवस पिशार घेण्यात आला। 7 दिवसाच्या पिशारमध्ये त्यांनी परत 2 गुन्ह्याचं कबुली दिल्याने 75/22 124/22 असे 2 गुन्हे म्हणजे एकूण पोलीस स्टेशन मानकापूरच्या हद्दीमध्ये 3 गुन्हे या आरोपितांनी केलेले आहे आणि 3 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहे। ही जे तपास आहे हा अवघ्या 3 दिवसामध्ये आमच्या DB पथकांनी अथक परिश्रम करून हे गुन्हे उघडकीस आणलेले आहे आणि सध्या आता आरोपी आमच्या ताब्यात आहे, PCR मध्ये आहेत। आपको बता दें कि इसके अलावा पुलिस ने 24,82,500 रुपए का मुद्देमाल भी उन आरोपियों के पास से जब्त किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए ये सभी आरोपी नागपुर शहर में दिन भर ऐसे ही घूमते रहते थे और खाली घर देखकर वहां पर सेंध लगाने की जुगाड़ ढूंढते रहते थे। आपको बता दें कि उनके द्वारा चोरी किए गए माल को जिस सुनार को वे बेचते थे उस सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान मानकापुर पुलिस ने इन आरोपियों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।